हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं चैप्टर वन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में। अब स्टार्टिंग ये वीडियो में मैंने बता दिया था कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कंसेप्ट भी लाऊंगा। सो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, जिसके बारे में हमने पूरा जितना भी कंसेप्ट था वो सारा कंप्लीट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आखिरी वीडियो रहेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बुक ये भी हमने कवर कर लिया है, बट अभी क्या है, कैसा होता है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों लाया हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कंसेप्ट क्यों लाया हूँ, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कंसेप्ट क्यों लाया हूँ मैं, क्योंकि अब बुक में 60-70% कवर रहता है, बट ऐसे भी कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो कवर नहीं होते हैं, मतलब जैसे ज़ोल्बर्न का हो गया, ट्रीटी ऑफ वेना के बारे में हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में दिया, नेपोलियनिक कोड के बारे में क्वेश्चन दिया है बुक में उलट करके, बट ट्रीटी ऑफ वेना हो गया, देन वॉट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, देन एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास के बीच में डिफ्रेंसिएशन हो गया, तो ऐसे देन इटाली के बारे में, यूनिफिकेशन ऑफ इटाली, ये मेन क्वेश्चन नहीं दिया गया है बुक में। सो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो नहीं दिए गए, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक क्लोज नहीं किया गया। सो ऐसे कुछ क्वेश्चन लाया मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन क्या है, कैसे हैं, उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए भी है कि जो टॉपिक कवर हुए नहीं है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया, प्रीलिम एग्जाम हो, नॉर्मल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको अगर क्वेश्चन आता है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन या उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, सो आपको ये याद रहेगा कि हमने कहीं ना कहीं तो इसके बारे में सुना था, पढ़ा था, सो आप क्वेश्चन के उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सीधा अभी बिना टाइम वेस्ट के सीधा बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल इन ग्रीक हिस्ट्री, राइट। अब ये क्या पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल इन ग्रीक हिस्ट्री। अभी हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देखा था कि क्या पूरा कुछ हुआ था, क्या हुआ था, ये सब कुछ। तो ये क्या है, ये 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है एंड 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। क्या 1 मार्क्स के लिए भी एंड 3 मार्क्स के लिए भी? देखिए, 1 मार्क्स के लिए आता तो कैसे लिखना है ये बताता हूँ। 1 मार्क्स के लिए आता तो आपको यहाँ से इतना कॉपी कर लेना है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल इन ग्रीक हिस्ट्री वॉज दैट इट रिकॉग्नाइज ग्रीक नेशन एज द इंडिपेंडेंट नेशन और ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। सो क्या 1 मार्क्स के इसमें क्या लिखना है, द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल इन ग्रीक हिस्ट्री इज दैट इट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब 3 मार्क्स के लिए आता तो कैसे लिखेंगे आप सब बताएंगे, सबसे मतलब स्टार्टिंग से बिगिन करेंगे आप, दैट इज कि सबसे पहले जो नेशनलिज्म हो रहा था यूरोप में वो पहुंचा ग्रीस तक, राइट। अब ग्रीस तक पहुंचा तो ग्रीक नेशनलिस्ट को भी लगा, जो ग्रीक के पीपल थे, ग्रीस के पीपल थे, उनको भी लगा कि हमें भी इंडिपेंडेंट नेशन एज ए रिकॉग्नाइज होना चाहिए, हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। सो नेशनलिस्ट जो थे, ग्रीस नेशनलिस्ट, उनको सपोर्ट मिला फ्रॉम द पीपल हु आर इन एक्साइल एंड देन दोस पीपल वेस्टर्न या ऐसे कुछ तो था, वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिला जिनको ग्रीक एंशियंट हिस्ट्री में सिंपथी थी, वो सब कुछ वहाँ से मिला। फिर पोएट्स एंड आर्टिस्ट भी उसमें ऑर्गेनाइज किए गए, फंड्स वगैरह ये सब कुछ। देन लॉर्ड बायरन का एग्जांपल देना है एंड उसके बाद लिखना है फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल रिकॉग्नाइज ग्रीस नेशन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। सो क्या 1 मार्क्स के लिए आता है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल इन ग्रीक हिस्ट्री इज दैट इट रिकॉग्नाइज ग्रीस नेशन एज इंडिपेंडेंट नेशन। और 3 मार्क्स के लिए आता है, मैंने बता ही दिया आपको किस तरह से थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं ज़ोल्बर्न। अब देखिए ये भी आ सकता है 1 और 4 मार्क्स के लिए, व्हाट वाज ज़ोल्बर्न। अब 4 मार्क्स के लिए कैसे, जिस तरह से मैंने ज़ोल्बर्न वीडियो में आपको बताया था, ज़ोल्बर्न के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था, तो उसी तरह से आपको मतलब पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है उसको। 1 मार्क्स के लिए आया तो कैसे लिखना है, 1 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है व्हाट वाज ज़ोल्बर्न, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ज़ोल्बर्न इट इज एन कस्टम यूनियन फॉर्म बाय प्रूशियन इनिशिएटिव एंड इट वॉज ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, राइट। इतना ही लिखना है, 1 मार्क्स के लिए आया तो क्या लिखना है, इट वॉज अ कस्टम यूनियन एंड बाय द प्रूशियन इनिशिएटिव एट द प्रूशियन इनिशिएटिव एंड इट वॉज ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। अगर 3 मार्क्स के लिए आता तो आपको क्या क्या लिखना है, व्हाट इज ज़ोल्बर्न, उसके बाद उसका एम क्या था, टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली, राइट, उसका ये एम था। एंड उसके बाद उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, जो कमर्शियल क्लासेस को क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने डिस्कस किया आपके आपके
सात दैट इज कस्टम बैरियर के बारे में, 39 स्टेट्स के बारे में, ओन करेंसी वेट एंड मेजर्स के बारे में, राइट। सो आपको ये सब कुछ लिखना है एंड उसके बाद लिखना है कि क्या उन्होंने फाइनली किया, रिड्यूस दी करेंसी फ्रॉम 30 to 2, ये बेजियर लिया उन्होंने। सो ऐसे क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है जॉल्वरन होता क्या है, उसके बाद उनका एम क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, वो प्रॉब्लम किसको दिखी, दैट इज कमर्शियल क्लासेस को दिखी, वो ऑब्स्टैकल लगा उनको, और फिर उन्होंने कस्टम यूनियन बनाया, उसके बाद उन्होंने क्या मेजर्स लिए, वो किस तरह से हेल्पफुल था, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। सो आपको ये सब कुछ लिखना है जिस तरह से मैंने आपको ऑर्डर बताया उस तरह से। अगर 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आता है तो व्हाट वाज जॉल्वरन में आपको वो लिखना है, अगर 1 मार्क्स के लिए आता है तो आपको इतना लिखना है कि इट वॉज अ कस्टम यूनियन फॉर्म एट द क्रूशन क्रूशन इनिशिएटिव, राइट। सो इस तरह से ये इसका आंसर आएगा जो अभी, सो ये अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो अब अगला वाला, हु वॉज डिस्क्राइब एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर्स एंड बाय हुम, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आता है, राइट। सो देखिए अगर हम गिसी भी मैजनी की तरफ वापस जाए, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, राइट। सो अगर गिसी भी मैजनी की तरफ जाए, सो उसको डिस्क्राइब किया गया था एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर्स, क्यों, क्योंकि उनका जो रिलेंटलेस अपोजिशन था टू द मोनार्की और उनका जो डेमोक्रेटिक विजन था वो क्या बोलते हैं, तंग कर रहा था, जो कॉन्जर्वेटिव थे उनको तंग कर रहा था, एंड उसी तरह से जो मैटरनिक थे, अब यहाँ पर पूछा गया है बाय हुम, राइट। सो जो मैटरनिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी भी मैजनी को डिस्क्राइब किया एज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर्स, ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, सॉरी। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है अगर 1 मार्क्स के लिए आता है, मीन्स 1 मार्क्स के लिए आएगा ये, ज्यादातर 3 4 मार्क्स के लिए आएगा, 3 4 मार्क्स के लिए कैसे आएगा, राइट नोट ऑन किसी भी मैजनी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्रॉम द बुक के वीडियो में। सो सीधा सीधा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर 3 4 मार्क्स के लिए आना है तो इस तरह से आएगा, दैट इज राइट नोट ऑन किसी भी मैजनी, राइट, ऐसे ऐसे आएगा। सो ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, राइट। देन आता है व्हाट वाज, सॉरी हु वाज ऑटोवन बिस्मार्क, राइट। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में जाइए, राइट, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में इनका रोल था, ऑटोवन बिस्मार्क, हु वाज ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑटोवन बिस्मार्क, एंड ही वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द होल प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड प्रूशियन आर्मी। सो ये आप सबको यही लिखना है अगर 1 मार्क्स के लिए आता है तो। 3 मार्क्स के लिए आता है तो क्या लिखना है आपको, ऑटोवन बिस्मार्क कौन थे, उनका रोल क्या था, उन्होंने किस तरह से हेल्प किया, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। सो 1 मार्क्स के लिए आता तो क्या लिखना है आपको, ही वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड व्हाट प्रूशियन आर्मी, ये इतना लिखना है आपको 1 मार्क्स के लिए आता तो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस हो गया।